यहाँ पे मेरा बाइक है, जो कि आप लोगों ने मेरा एग्जॉस्ट सुनते ही आप लोगों को पता चल गया होगा दोस्तों। सो अभी चलिए वीडियो की तरफ, चलिए। सो 2020 आने के साथ साथ में दोस्तों बजाज अपनी इंडियन कंपनी पल्सर यानी बजाज कंपनी ने लॉन्च कर दिया है अपनी इस BS6 मॉडल का बाइक, जो कि अपनी अवेलेबल हो चुका है अगस्त महीने की साथ साथ ही दोस्तों। तो दोस्तों इसी बारे में आप देख सकते हैं, मैं काफ़ी इनमें से एक ही 220 जो अपनी फैशनेबल बाइक है दोस्तों, काफ़ी इंडिया में राज कर चुका है काफ़ी बाइक यंगस्टर्स के लिए। सो गाइस अपनी 220 यहाँ पे लेके आए हो दोस्तों मेरे साथ, मेरे पास में मेरे पीछे कुछ स्पेशल यहाँ पे 220 दोस्तों आज देख सकते। सो एक सेट यहाँ पे खरीद लिया हो दोस्तों, मेरी टीम यहाँ पे एक सेट खरीद लिया दोस्तों। तो गाइस दोस्तों आप 220 आप देख सकते दोस्तों, कलर ब्लैक एंड रेड कलर के साथ यहाँ पे दोस्तों दिया गया है यहाँ पे। सो दोस्तों इसके बारे में कुछ रिगार्डिंग रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ और स्पेसिफिकेशन मैं आप लोगों से बताने वाला हूँ दोस्तों। आप काफ़ी इस तरह सिनेमेटिक वीडियो में आप देख सकते हैं दोस्तों, वीडियोस बहुत काफ़ी बढ़िया आ रहा है दोस्तों। सो दोस्तों इसके बारे में अभी काफ़ी स्पेसिफिकेशन, इसका स्पीड, माइलेज, काफ़ी सब कुछ मैं आप लोगों को सब बताने वाला हूँ दोस्तों। सो सबसे पहले मैं इसका प्राइस की बात करता हूँ दोस्तों। इसका तो काफ़ी BS6 और ABS7 अपग्रेड होने के साथ साथ इसका प्राइस 1,42,215 रुपीस हो चुका है यहाँ पे दोस्तों, यानी पहले से काफ़ी 10% यहाँ पे ज़्यादा बढ़ चुका है दोस्तों। सो दोस्तों इसके बारे में मैं अभी यहाँ पे 220cc ये इंजन के साथ साथ यहाँ पे 20.4 PS न्यूटन पावर, 18.55 न्यूटन पावर यहाँ पे प्रोड्यूस करता है, और माइलेज की बात करें तो यहाँ पे 40 किलोमीटर माइलेज दे देता है, और सिंगल मतलब डबल डिस्क यहाँ पे दे देता है, सामने पीछे दोनों डिस्क से यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते दोस्तों। अभी आप देख सकते हैं राइडिंग पोस्चर टोस्चर इसका काफ़ी शानदार और बहुत बढ़िया है दोस्तों, एक्सेलरेशन भी बहुत काफ़ी, पिकअप भी बहुत पावर सा लगता है दोस्तों। सो दोस्तों इसका डिस्प्लेसमेंट के बारे में दोस्तों, और इसका डबल डिस्क है, और ABS दिखाऊंगा आप लोगों को। ABS होने के साथ साथ इसका काफ़ी रेंज, प्राइस रेंज भी बहुत ज़्यादा है, और इसका एक्सीडेंट भी बहुत चांसेस कम है। सो दोस्तों BS6 24.4 PS 8000 RPM के साथ साथ यहाँ पे बिल्कुल सिंगल सिलेंडर इंजन, ऑयल कूल यहाँ पे, और दो बल्ब सिलेंडर इंजन मिल जाता है, और चेन सेल्फ स्टार्ट सिस्टम, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम यहाँ पे मिल जाते हैं दोस्तों, और काफ़ी डिजिटल ट्विन स्पार्क, दो स्पार्क मिल जाते हैं दोस्तों यहाँ पे, स्पार्क प्लग दो मिल जाए, और गाइस ये काफ़ी एग्रेसिव और 2020 के लिए ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो फीचर्स के बारे में और प्राइस के बारे में काफ़ी रेंज और अच्छा दिया जाता है दोस्तों, और एनालॉग डिजिटल मीटर देख सकते हैं, एनालॉग मीटर है दोस्तों, और यहाँ पे डिजिटल, और यहाँ पे प्रोजेक्टर के साथ, प्रोजेक्टर हेडलैम्प प्रोजेक्टर के साथ आपको मिल जाते हैं दोस्तों। सो इसका स्पेसिस बहुत सारा कलर आते हैं यहाँ पे, रेड कलर, ब्लू कलर, येलो, डार्क ब्लू कलर, ये सब काफ़ी 3-4 कलर के सारे सब कलर के साथ आपको मिल जाते हैं। और दोस्तों अभी काफ़ी ये ABS देख सकते हैं दोस्तों, इसका ABS बिल्कुल वर्क कर रहा है और बहुत ही शानदार आगे पीछे ABS दिया गया है। और दोस्तों इंजन की बात करें तो इंजन में काफ़ी 8000 RPM के साथ यहाँ पे पावर प्रोड्यूस करता है। सो दोस्तों 18.8 पावर मतलब यानी 20 BHP यहाँ पे पावर प्रोड्यूस करते हैं, 4-स्ट्रोक इंजन के साथ साथ यहाँ पे दोस्तों। अभी काफ़ी कलर भी, डिज़ाइन भी काफ़ी एग्रेसिव लग रहे दोस्तों ये बाइक अभी यहाँ पे मैंने स्पेशल कुछ एक साल भी नहीं हुआ है, यानी एक महीना भी नहीं हुआ है ये बाइक, अगर एक महीना हो गया और तो फिर भी एक साल के बाद इस बाइक को मैं स्टंट के लिए उतार दूंगा। सो दोस्तों अभी फिलहाल मेरी यह बाइक जो पल्सर 180 है, वो उसमें काफ़ी स्टंट दमदार कसा स्टंट हो रहा है दोस्तों अभी। सो दोस्तों इसमें सीटिंग पोस्चर भी बहुत अच्छा है, और ब्रेकिंग के मामले तो काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छा है दोस्तों, और नंबर प्लेट लग चुका है दोस्तों बाइक में। तो दोस्तों 220 आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ बता देना, इसे बजट की और प्राइस की रेंज में, इसका जो सर्विसिंग है इसका भी लो प्राइस में हो जाता है सब, इसीलिए बहुत बढ़िया लगता है दोस्तों। सो दोस्तों आप देख सकते हैं 220 बिल्कुल कलर भी काफ़ी एग्रेसिव लग रहा है। सो दोस्तों आप लोगों ने पहले मेरी चैनल में बाइक तो देखा होगा मेरी 180, इससे कई गुना ज़्यादा पावर इसका है दोस्तों, और स्टॉपी के लिए भी बहुत शानदार सा किंग, स्टॉपी किंग ऑफ 220 माना जाता है दोस्तों। सो दोस्तों काफ़ी बता दिया आप लोगों को, और दोस्तों इसका साउंड सुन लीजिए दोस्तों, इसका एक्टो सेंसर साउंड,
सो दोस्तों इसका एग्जॉस्ट भी काफ़ी स्मूथ लग रहा है दोस्तों। तो दोस्तों काफ़ी सब कुछ वैल्यूएबल है दोस्तों, ये भी बजट का बाइक है दोस्तों। आप लोग अगर आप लेते हो इसको ऑन रोडिंग ऑफ रोडिंग सब कुछ कर सकते हो दोस्तों। सो इसको आप यहाँ पे ट्रैक में भी चला सकते हो, आप ऑफ रोडिंग भी कर सकते हो, बजट का माली है। तो कुछ भी अगर होते तो कमेंट कर देना मुझे। और ये बाइक काफ़ी अच्छा लगा है और सारे इंडिया को जीत लिया है इस बाइक ने, काफ़ी दिल खुश कर देता है यंगस्टर्स के लिए। सो काफ़ी स्टंट्स इसमें होता है दोस्तों।